नमस्कार, सच न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा शाम वैद के साथ। दिल्ली में एनसीपी के चुनाव हैं और चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज लास्ट डे है नॉमिनेशन का और इस समय हम रजौरी गार्डन में हैं, रजौरी गार्डन SDM ऑफिस में, जहां पे कैंडिडेट्स काफ़ी संख्या में आए हुए हैं और हम उनसे बात भी करेंगे कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस सबने अपनी घोषणा कर दी है नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट्स की, तो हम उनसे बात भी करते हैं। आप देख सकते हैं अभी 11 बजे खुलने का टाइम है और काफ़ी रश है यहाँ पे। सर आप कैंडिडेट हैं? मेरी वाइफ है। आपकी वाइफ कैंडिडेट है। आपका नाम सर? मेरा नाम पूर्व निगम पार्षद गुरमुख सिंह बिट्टू। गुरमुख सिंह बिट्टू। आपकी वाइफ? शिल्पा कौर। शिल्पा कौर, उनको टिकट दी गई है। जी जी, हमारी बात तो बात हाँ। हमारे सर शिल्पा कौर हैं जिनको निगम पार्षद के लिए टिकट मिली। आपको किस इलाके से मिले? वार्ड 102। तो आप पहले भी चुनाव लड़ी हैं कभी? मेरे हस्बैंड हैं जम्मू से, जो निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी में, वार्ड 13 था पहले का, अब वार्ड का नाम बदल गया। पाँच साल से अपनी सेवा कर रही हूँ। आप लगातार क्यों वोट? मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने दोनों ने मिलकर अपने पिछले 5 सालों में अपना नाम बताइए। मीनाक्षी चंदेला। आपको टिकट मिली है कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। कौन से इलाके से? विष्णु गार्डन से। तो आप अच्छा विधानसभा रजौरी गार्डन है और विष्णु गार्डन वार्ड है, तो आपने पहले भी कभी चुनाव लड़ा है? दो बार जीती है। कौन से इलाके से? हाँ जी, चंदेला से। पहले दो बार दोबारा आया है, तीसरी बार में तीसरी बार मौका दिया। तो जनता क्यों वोट दिया? जनता में सारे वादे किए हुए जुड़े हुए हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, परिवार जो भी आता है वो अपना पूरा मेरा नाम तरमिंदर सिंह मोनू सचर है, मैं वार्ड 1100 से संगठन मंत्री। तो आप किनके सपोर्ट में आए हैं? हम मैडम रविंदर कौर जी के सपोर्ट में आए हैं यहाँ पे। अच्छा। और मैडम रविंदर कौर जी क्या, हम तो पूरी आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में आए हैं। जोन जोन से यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं सबके सपोर्ट में हम सारे खड़े हैं। अच्छा, तो लोग आम आदमी पार्टी को क्यों वोट दें? आम आदमी पार्टी को क्यों वोट दें, इसका जवाब तो सारी दिल्ली जानती है। ये जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं ये सिर्फ जुमले बांटने में एक्सपर्ट है और आम आदमी पार्टी जो काम करने में एक्सपर्ट है वो आपको पता ही है कि दिल्ली में हमने स्कूल दिए बढ़िया बच्चों को, हमने हॉस्पिटल दिए, हमने महिलाओं को बसें दी हैं मुफ्त में, हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो कभी पहले की सरकारें सोच भी नहीं सकती। लेकिन अब तो भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। भ्रष्टाचार कोई बात नहीं कि आरोप ही लगा रहे हैं ना, साबित कर नहीं पाते हैं। थोड़े दिन में हमारे नेताओं को ले जाते हैं उठा के बंद कर देते हैं। अभी हमारे दिल्ली में
इतना पीडब्ल्यूडी का काम करने वाले हमारे मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने बंद कर दिया। जनता उसका जवाब देगी। 4 तारीख को आप देखना जब वोट पड़ेंगे एक साइड, और 7 तारीख को जब इनको जवाब मिलेगा कि जो आप ये जो नजायज काम कर रहे हो उसका जवाब दिल्ली की जनता देगी, आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेश ऋषि जी हैं, बताइए सर, यहाँ के विधायक हैं सर, आप की पार्टी? आज अरविंद केजरीवाल जी के सारे सिपाही इकट्ठे हैं। हमें बोल दिया गया था ज़्यादा भीड़ लेके ना आए, इसलिए हम गिने चुने लोग लेकर आए हैं। हमारे यहाँ से 106 वार्ड से गीतू सब्रवाल जी ने अभी फॉर्म भरा है, हम लोग फॉर्म भर के आ रहे हैं। साथ में रीना जी भी हैं, उनका भी फॉर्म भरा है साथ में। और 104 से दीपक ओझा जी अंदर हैं, उनका काम चल रहा है, जल्दी फॉर्म भर के वो भी आने वाले हैं। और हमारे 3 वार्ड इस बार हम जीत के आ रहे हैं। और मैं अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इस बार टिकट दी है, और इस बार बड़ा अच्छा फाइट होगी हमारी, और यहाँ से इलेक्शन जीत के आएंगे। आप मैडम सबसे पहले अपना नाम बताइए। हाँ जी, तो आपने नॉमिनेशन के लिए पर्चा भर दिया आपने, तो आप जनता आपको क्यों वोट दे बताइए? जो मतलब बीजेपी ने यहाँ पे इतनी जगह जगह गंदगी मचाई हुई है, हर कोने पे आपको यहाँ पे कूड़ा मिल जाएगा। दिल्ली में एंटर होते ही सबसे बड़े कूड़े के पहाड़, एंटर में कूड़े के पहाड़ हमारे जो अतिथि होते हैं उनका स्वागत करते हैं। हमारे घर में कोई आता है, हम उनका स्वागत फूलों से करना चाहते हैं, लेकिन हमारी दिल्ली में जब कोई आता है ना तो उनका स्वागत कूड़े के पहाड़ों से होता है। अच्छा, तो ये सब काम बीजेपी ने किया है, इसलिए हमें ये सब गंदगी, हम सबको मिलके, हम आम आदमी पार्टी के सिपाहियों को मिलके इस गंदगी को साफ करना है, इसलिए मैं चाहती हूँ। अच्छा, तो आप की पार्टी में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब कोई पतंग ऊपर चढ़ती है ना, हाँ जी, काटने वाले बहुत होते हैं। हाँ जी, तो मैं बस इतनी बात में अपनी बात खत्म करूंगी कि जैसे जैसे अरविंद जी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं ना, और उनको गिराने के लिए, उनके लिए आरोप, उनके ऊपर आरोप पे आरोप लोग लगाते हैं, तो इस चीज़ का तो कोई जवाब अपने आप उन लोगों को मिल जाता है। वो लोग आरोप लगाते हैं और वो गलत साबित होते हैं, तो इस चीज़ का जवाब उनको खुद मिल जाता है कि इसमें मैं क्या बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी सर, पहले अपना नाम बताइए। मैं सतीश यादव, यहाँ का वार्ड अध्यक्ष हूँ। हाँ जी, मुझे मेरे वार्ड में टिकट आई है। हाँ हाँ, और मैं चाहूँगा कि हर दिल से, बिल्कुल तन मन धन से, बिल्कुल एक तरफा इसको जीत दिला के लेके आनी है। हमें जीत के अरविंद जी के सिपाही हम हैं, उनका हाथ आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। सीरियसली मतलब कुछ भी। अच्छा, मिशोना बाबू ने थाना थाया। You see this guy? See this guy? Number one sleepless guy. She do the vivu vivu. हम रात को जाग जाग के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं कि ये बाबू और सोना चैन से सो जाए, लेकिन ये अपना सोना छोड़ के अपनी सोना को खाना खिलान लाग रही है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो हमारी।